Hi everyone, in the last video we had solved 5 questions on logical reasoning जिसमें हमने आपके 5 questions solve करे थे mock test paper में जिनकी जो कि आपके exam में आने की possibility बहुत ज़्यादा है and now in this video also we will be solving the another 5 questions on logical reasoning जिसमें कि आपका syllogism भी आता है, आपके arguments भी आते हैं, आपका Venn diagram भी आता है जिनसे आपके questions सबसे ज़्यादा आते हैं. So your first question is select the analogous statement out of all these options below. यहाँ पर आपको बात कही है analogy के बारे में. तो ये आपका जो question है आपके हर साल exam में आता है जिसमें आपको analogy के बारे में हमेशा पूछा जाता है. जिसका मतलब होता है जब आप किसी चीज का example देके बात करते हैं, आप किसी चीज को दो चीज को compare करते हैं दिखाने के लिए कि ये अपना point prove करने के लिए एक example देने के लिए आप किसी को substitute करते हैं. तो इसमें आपका जो आपके options है these are man is a rational being, man is like God, Gandhi is called father of the nation, God is powerful. देखिए इसका best way जो है answer जानने का like analogy का answer जानने का आपका जो best way होता है that is जब आपका लाइक वर्ड यूज़ होता है. आप अगर मोस्टली अपने यूजीसी के एग्ज़ाम में आप अपने अगर लास्ट ईयर पेपर्स में नोटिस करेंगे वहाँ पर जब भी आपका जो आंसर होगा मोस्टली में लाइक ज़रूर यूज़ होता है बीच में. जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है मैन इज़ लाइक गॉड, जब आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप किसी चीज़ को दिखा रहे हैं किसी के जैसा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. सो यहाँ पर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आप बताना चाह रहे हैं एंड मोस्टली आप उसमें लाइक ज़रूर यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आपको ये एक ट्रिक है यूज़ करने की जहाँ पर आप बता सकते हैं अपनी स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा. सो फॉर दिस आपका आंसर होगा मैन इज लाइक गॉड, जहां पर आपका लाइक आ रहा है, बाकी आपके आंसर्स नहीं हो सकते. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब यहाँ बात हो रही है वेन डायग्राम की. आपकी वेन डायग्राम के ऊपर हमेशा डेफिनेशंस आती हैं. सिलोजिज्म में आप वेन डायग्राम को यूज करते हैं बट आपका अब वेन डायग्राम में अब प्रॉपर उनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एग्जाम में. आपसे पूछा जाता है वेन डायग्राम की करेक्ट डेफिनेशंस क्या हैं या फिर वेन डायग्राम की ये सारी डेफिनेशंस में रॉन्ग डेफिनेशन क्या है. सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वेन डायग्राम में आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं. आपको कोड्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कोड सही है. तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ टेस्ट ऑफ रीजनिंग विच इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट फिगर्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सब ऑब्जेक्ट्स. ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा आप इसमें टेक्स्ट करते हैं रीजनिंग को, आप इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या सही है और क्या क्या नहीं है. और आप कैसे देखते हैं, आप देखते हैं इसको अपने डायग्राम्स के थ्रू जो कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में आपके सिलोजिज्म में वेन डायग्राम्स बनाए थे कि आप कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, आप उनका कनेक्शन देखते हैं कि ये सही है या गलत है, इनका लॉजिक सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. तो ये जो आपका था फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देन आपका आता है सेकंड स्टेटमेंट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैथमेटिक्स. यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये आपको यहाँ बोला है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स से लिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल सही है. वेन डायग्राम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैथमेटिक्स. थर्डली आपका है इट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंसेज विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस. ये भी आपका बिल्कुल सही है. इसमें आपका जो वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है जिसमें आपका ये यूज़ होता है. तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आती हैं इट यूजेज मैथमेटिकल इक्वेशंस टू एसेस द वैलिडिटी, जो कि आपका रॉन्ग है. इसमें ये चीज़ मैथमेटिक्स से ज़रूर निकली है. वेन डायग्राम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैथमेटिक्स बट इट डजंट यूज मैथमेटिक्स. सो द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर इन दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में तीन जो आपकी स्टेटमेंट्स है दीज आर ट्रू और जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अगेन अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ अपोजिशंस. ये एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि ये कौन से लॉ ऑफ अपोजिशन का पार्ट है. सो इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी. तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ अपोजिशंस ढंग से पढ़ के जाना है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स, बिकॉज इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू ऑलवेज हैव दीज क्वेश्चंस वेयर यू हैव बीन आस्क द नेम ऑफ द डेफिनेशंस. तो सो इन द थर्ड क्वेश्चन यू हैव व्हाट टर्म वी यूज फॉर द स्टेटमेंट इफ टू प्रपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, जो कि साथ में सही तो हो सकते हैं बट साथ में गलत नहीं हो सकते. तो यहां पर आपको दिया है बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब कॉन्ट्ररी. सो
In the third question, your answer is D. So it is very important for you that you you study the universal law of oppositions very carefully, because every year you have a question on universal law of opposition. Universal law of opposition mein har saal questions aate hain. Sub contrary mein aata ya fir contradictory mein aayega, contrary mein aayega ya fir subaltern mein aayega. Aap se ye bhi pooch sakte hain ki aapko A to E hoga, I to O hoga. So you need to know all these things. Now the fourth question is on which definition has the purpose of eliminating the ambiguity by using such words which can be recognized by widest audience. This is the clear cut definition of lexical. If you read the arguments carefully, you have certain arguments aapke logical reasoning mein, you have in logical reasoning certain arguments like stipulative, persuasive, precision, lexical. ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आपके लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ही जगह से क्वेश्चन आते हैं. एक आपका हो गया सिलॉजिज्म, जो कि लास्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि आपके लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ही पार्ट से क्वेश्चन आते हैं. दैट इज सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम एंड सर्टन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डेफिनेशंस जो कि पूछी जाती हैं. तो ये क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में डेफिनेशन से. लॉजिकल रीजनिंग की डेफिनेशंस लेक्सिकल, पर्सुएसिव, स्टिपुलेटिव, प्रिसिशन, कॉजल, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं. एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है फ्रॉम लेक्सिकल. इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेक्सिकल की दैट यू यूज सर्टन वर्ड्स, यू यूज सर्च वर्ड्स विच कैन बी अंडरस्टूड बाई द वाइडेस्ट ऑडियंस. ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जो वर्ड्स वो रिकग्नाइज कर पाएँ. तो ये आपका आता है लेक्सिकल में. So now the next question, that is question number 5, is again about universal law of opposition. So far they have asked about the definitions, that ye definition hai iska kaun sa law hoga, kaun sa definition ka law hai. But now they have asked that which formula is used for contrary. So it is very important for you that definitions ke saath yahan par formula bhi zarur yaad kar liya jaye. When you are learning the definitions of subaltern, contradictory, contrary, sub-contrary, it is very important for you also to learn their formula, that subaltern mein kaun sa formula jata hai, contradictory mein kaun sa formula jata hai, contrary mein kaun sa formula jayega and sub-contrary mein kaun sa formula jayega. And these formulas jo ki humne hamari video mein theek se explain kiya hai, in our video on syllogism second part, we have already explained these things to you. So in this question, select the correct pair which is contrary to each other. ऐसा कौन सा पेयर है जो कॉन्ट्ररी है टू ईच अदर. सो अगर आप देखिए कॉन्ट्ररी का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्ररी फॉर्मूला जो है ए टू ई, दैट इज ऑल टू नो. So it is very important for you to learn these things, that which formula is used for contrary and which formula is used for contradictory and which formula is used for subaltern. When you know these things, only then you can answer these questions. So for contrary we have all to know. So if you see the question, agar aap question mein dekhein, all teachers are philosophers, some teachers are philosophers, some teachers are not philosophers, and no philosopher is a teacher. So in these options we have all to know, all teachers are philosophers, no philosopher is a teacher. So your correct answer will be first and fourth, that is your A option. So we have solved these 5 questions for your logical reasoning mock test paper 2 for your UGC NTA NET exam. And in the another video we will be solving the mock test paper 3 for logical reasoning. Subscribe to our channel and keep watching the videos. Press the bell icon.